केजीएफ स्पाई और हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के बाद आज अपन एलसीयू यानी कि लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स को भी एक्सप्लेन कर ही देंगे, क्योंकि अभी अभी रिलीज हुई है एलसीयू में एक और पिक्चर लियो एंड इसको इंक्लूड करके एलसीयू में टोटल 3 मूवीज आ चुकी है। पर ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी इस यूनिवर्स में 4 मूवीज और आने वाली है जो कि अगले 2-3 सालों तक रिलीज हो जाएंगी। उन सब के बारे में तो बात करेंगे ही, पर पहले शुरू से शुरू करते हैं जब 4 साल पहले एलसीयू की पहली फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था कैथी, कहानी एक रात की। हाँ, एक ही रात की स्टोरी है इसमें। एक ही रात में सारा काम हो गया और सुबह तक स्टोरी फिनिश। एक ऐसी रात जब सारे ऑफिसर्स दारू पीकर टल्ली हो गए क्योंकि दारू में मिला हुआ था कुछ, जिस वजह से अब जिम्मेदारी आ जाती है दिल्ली पर। नहीं, राजधानी की बात नहीं कर रहा मैं, दिल्ली अपने हीरो का नाम है। वैसे दिल्ली का रोल जिन्होंने प्ले किया उनका नाम है कार्थी, जो कि छोटे भाई हैं सूर्या के। सूर्या के बारे में अभी आगे बात करेंगे, फिलहाल कैथी पर वापस आते हैं। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया क्योंकि पिक्चर वाकई में बढ़िया थी। पर्सनली मेरे को भी बहुत पसंद आई, जैसा म्यूजिक था, जो एक्शन और इमोशन थे, पिक्चर देखने में मजा बहुत आया। एलसीयू की स्टार्ट यहीं से हुई, पर इस टाइम पर शायद इन्होंने इतना बड़ा मूवी यूनिवर्स बनाने का नहीं सोचा होगा। एलसीयू में शुरू से ही ड्रग्स और गैंगस्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। कैथी में भी सब कुछ ड्रग्स की वजह से ही होता है, जहां 900 के लोगों का उसी पुलिस स्टेशन के नीचे था एंड वहीं पर दिल्ली को अपनी गाड़ी भगाकर पहुंचना था। भाईजान को बुला लेते उससे अच्छा तो जल्दी हो जाता काम। आपन को मूवी बहुत बढ़िया लगी, लास्ट में वो मशीन गन वाले सीन ने तो दिल जीत लिया। फिल्म अच्छी थी तो रीमेक भी बना बॉलीवुड में भोला नाम से। कैथी से एलसीयू की शुरुआत हुई, पर इसके बाद अगले 3 साल तक इस यूनिवर्स में कोई भी फिल्म नहीं आई। पर फिर आया 2022 और यहां से सब कुछ बदल गया क्योंकि 2022 में रिलीज हुई विक्रम। इस पिक्चर की कास्ट बहुत स्ट्रांग थी, कमाल हसन, विजय सेतुपति और फहद फासिल थे लीड रोल में। यहां बजट भी 120 करोड़ था पिक्चर का, पर इसने कमाए 400 से 500 करोड़ के अराउंड, जो कि एक बहुत ही तगड़ा नंबर है। और ये फिल्म इतने कमा पाई क्योंकि अच्छी थी यार पिक्चर, एक्चुअली काफी अच्छी थी। कैथी की तरह इसमें भी ड्रग्स का ही मसला है, प्लस गैंगस्टर तो है ही फिर ऑब्वियसली। विजय सेतुपति का कैरेक्टर पर्सनली मुझे इसमें बहुत बढ़िया लगा, प्लस फहद फासिल का कैरेक्टर डेवलपमेंट भी काफी तगड़ा था। विक्रम एलसीयू के लिए स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि ये वो पहली पिक्चर है जहां दूसरी मूवीज के हिंट और फ्यूचर के लिए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि इसमें कैथी फिल्म के कैरेक्टर्स थे एंड यहां दिल्ली का भी जिक्र हुआ, यहां तक कि उसका थोड़ा सा सीन भी दिखाया कैथी फिल्म से, तो यहीं से ही एलसीयू कंफर्म हुआ था। और हां, विक्रम की एंडिंग में रोलेक्स नाम का भी एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ जिसको प्ले कर रहे हैं सूर्या। और भाई क्या एंट्री थी इसकी, भले ही आपने ये सीन ना देखा हो पर इसका बीजीएम पक्का सुना होगा। रोलेक्स का कैरेक्टर बहुत ही तगड़ा फील हुआ और कैथी में जो 900 किलो कोकेन डिस्ट्रॉय हुआ वो इसी बंदे का था। वैसे रोलेक्स और दिल्ली यानी कि सूर्या और कार्थी दोनों रियल लाइफ ब्रदर्स हैं, जब फ्यूचर में ये एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तब मजा आएगा देखने में। खैर, रोलेक्स के सीन के बाद विक्रम एंड हो जाती है। फिर उसके 1 साल बाद अभी अक्टूबर में ही लियो रिलीज हुई। ये है एलसीयू की तीसरी और सबसे लेटेस्ट मूवी। बजट इसका एलसीयू की पिछली फिल्मों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, 250 से 350 करोड़ के बीच। कमाई भी सही कर रही है ये। स्टोरी पर बात करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, तो हाँ ये पिक्चर उतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं इसमें और प्रेडिक्टेबल तो है ही। एलसीयू की तीनों फिल्मों में से सबसे वीकेस्ट है ये क्योंकि इसके कंपैरिजन में है कैथी और विक्रम, जिनके सामने लियो कहीं भी नहीं टिक पाती, स्टोरी के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। पर इतने सब कुछ के बाद भी ऐसा नहीं है कि पिक्चर पूरी तरह से खराब है, मजा आएगा पिक्चर में, बस इससे बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना। अब क्योंकि लियो भी एलसीयू में है तो इसमें नेपोलियन का कैरेक्टर भी है जो कि कैथी में था, और यहां दिल्ली के बारे में भी बात करते हैं ये। पर लियो की एंडिंग में एक और छोटा सा सरप्राइज मिलता है जहां विक्रम से कमल हसन के कैरेक्टर का एक सिंपल सा वॉइस ओवर था, न दिखाया उन्हें भी नहीं गया, ओनली वॉइस ओवर। खैर, जो भी था जैसा भी था ठीक था, पर हम बेहतर की उम्मीद कर रहे थे। दो विलन भी थे इसमें, एंथनी और हेरोल्ड, एंड पिक्चर खत्म होते होते वो दोनों भी खत्म हो गए, यानी फ्यूचर के लिए दोनों में से कोई नहीं बचा। लेकिन हाँ, एक कैरेक्टर बचा है जिसने बोला था कि जब तक वो लियो के परिवार को मार नहीं देती वो अपने पति की अर्थी नहीं उठाएगी, तो शायद वो आगे कुछ और भी कांड करे। पर फिलहाल तो फिल्म एंथनी और हेरोल्ड के साथ ही खत्म हो गई फ्यूचर को टीज करते हुए। लेकिन लियो के बाद क्या, कौन सी अगली फिल्म आएगी अब एलसीयू में? तो इस यूनिवर्स में जो नेक्स्ट पिक्चर आएगी वो है कैथी 2। हाँ, कैथी का सीक्वल जिसमें ओरिजिनल कास्ट रिटर्न करेगी। एलसीयू की फिल्में भी बढ़िया चल रही हैं, तो बजट भी तगड़ा लगाएंगे ये मूवी में ताकि क्वालिटी बेहतर हो सके। पर ये रिलीज कब होगी ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जल्दी से जल्दी ये 2024 के एंड तक ही आ पाएगी, वरना सीधा 2025 में। लोकेश कनगराज का कहना है कि कैथी 2 सीक्वल नहीं बल्कि प्रीक्वल होने वाली है, जिसमें दिल्ली का पास्ट दिखाया जाएगा कि आखिर हुआ क्या था और कैसे वो जेल गया, एंड जेल में भी पिक्चर की स्टोरी कंटिन्यू रहेगी। लोकेश कनगराज ने इतना तो कन्फर्म कर दिया है कि दिल्ली एक कबड्डी प्लेयर था और जेल में भी जो कबड्डी के टूर्नामेंट्स हुए उसमें उसने कई सारी ट्रॉफीज जीती। वैसे मुझे ये प्रीक्वल का आइडिया सही लगा क्योंकि यार दिल्ली के पास्ट में क्या हुआ था वो जानने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। और शायद हो ना हो, पर रोलेक्स का कैमियो इसमें भी पक्का होगा। बट अभी इसकी रिलीज डेट कन्फर्म हो जाए तो कम से कम पता तो चले कि पिक्चर आएगी कब।
कैथी 2 जब आएगी तब आएगी, लेकिन उसके बाद जो पिक्चर आएगी वो होगी विक्रम 2। अब रिलीज डेट तो उसकी भी कंफर्म नहीं है, पर एक अंदाजा लगाएं तो 2025 के एंड तक ही आ पाएगी ये। ओरिजिनल कास्ट तो ऑब्वियसली कमबैक करेगी ही, पर बहुत हाई चांसेस हैं कि इसमें लियो भी होगा, क्योंकि अभी अभी लियो की एंड में ही विक्रम लियो को और भी ड्रग फैक्ट्रीज को खत्म करने के लिए इन्वाइट करता है, तो मे बी विक्रम 2 में लियो विक्रम से मिलने के लिए आएगा, भले ही चाहे बस एक छोटा सा कैमियो ही क्यों ना हो, पर अपना दिल तो खुश हो ही जाएगा ना, तो बस और क्या चाहिए। विक्रम 2 की स्टोरी क्या होने वाली है इसको लेकर कुछ ज्यादा तो रिवील नहीं किया गया, पर रोलेक्स का कैरेक्टर होगा इसमें भी, तो शायद हमें यहाँ रोलेक्स वर्सेस विक्रम देखने को मिले, पर मुझे लगता है ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और वैसे भी रोलेक्स सिर्फ विक्रम का नहीं बल्कि पूरे एलसीयू का मेन विलन होना चाहिए, जो कि एक पिक्चर में दिल्ली, लियो और विक्रम तीनों से एक साथ निपटे, लेकिन विक्रम 2 में नहीं, ये थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। विक्रम 2 में विलन कोई और होना चाहिए, लेकिन विक्रम 2 के बाद कौन सी पिक्चर आएगी इस यूनिवर्स में, तो वो हो सकती है लियो 2। आई नो अभी लियो रिलीज हुई है और अभी से उसके सीक्वल के बारे में बात करना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, पर एक सिनेमेटिक यूनिवर्स में सीक्वल तो बनते ही हैं। और वैसे भी अगस्त में ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि लियो का सीक्वल भी आएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है। एंड जैसा कि मैंने बताया कि अभी वो आंटी रह गई हैं जिन्होंने अर्थिना उठाने की कसम खाई थी, तो शायद सीक्वल में उनका कुछ इंपॉर्टेंट रोल हो। बाकी स्टोरी तो वैसे ही रहेगी जैसी एलसीयू की अभी तक मूवीज में रही है, ड्रग्स और गैंगस्टर्स के अराउंड, वैसा ही कुछ यहाँ भी होगा, पर इसको आने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लोकेश कनगराज पहले थलाइवर 1711, कैथी 2 और विक्रम 2 बनाएंगे, उसके बाद कहीं जाकर लियो 2 पर काम शुरू होगा, तो मान के चलो कि 2026 से पहले तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली। लेकिन एलसीयू में एक और मूवी कंफर्म है जो कि इसके भी बाद आएगी, मैं बात कर रहा हूँ रोलेक्स की स्पिन ऑफ पिक्चर की, और यही है एलसीयू की लास्ट कंफर्म्ड पिक्चर। सूर्या प्ले करेंगे रोलेक्स को, और इसमें मोस्ट प्रोबेबली रोलेक्स की बैक स्टोरी दिखाई जाएगी कि आखिर कैसे वो एक ड्रग लॉर्ड बना। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए, पर यार वेट बहुत करना पड़ेगा। रोलेक्स पर काम शुरू करने से पहले लोकेश कनगराज को 4 फिल्में बनानी है, और उनके बाद जाकर रोलेक्स का प्रोडक्शन शुरू होगा, तो मान के चलो 2026 के एंड तक ही ये पिक्चर आ पाएगी, क्योंकि यार एक डायरेक्टर आखिर कितनी ही फिल्में बना सकता है। खैर रोलेक्स का कैरेक्टर पर्सनली मुझे बहुत बढ़िया लगा, उसका वो पागलपन देखने में मजा आता है। विक्रम की एंडिंग में बस एक कैमियो देकर ही पब्लिक को पागल कर दिया था इसने, तो अब तो पूरी पिक्चर आ रही है इस कैरेक्टर पर, भाई क्या ही बवाल होगा। पर तब तक हमें बस एक ही काम करना है, इंतजार। तो फिलहाल इतनी ही मूवीज हैं जो कि एलसीयू में आएंगी, इनके अलावा स्पाई और केजीएफ यूनिवर्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो वीडियोस भी देख लेना सामने क्लिक करके। बाय।